तो वेलकम बैक तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। और हाँ, ये मैं ही हूँ नई स्किन के साथ, बिकॉज पुरानी वाली स्किन पॉकेट एडिशन में थी और मेरे को नहीं आता उसको कैसे जावा एडिशन में लाऊं। अगर तुम लोगों में से किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में बता देना। एनीवे, तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के वायरल लाइफ हैक्स टिकटॉक वायरल टिकटॉक लाइफ हैक। कितना बड़ा नाम है ये, सस्ते जुगाड़ बोल लेते हैं। सो लाइफ हैक नंबर 5। तो ये वाले हैक की मदद से तुम लोग अपने माइनक्राफ्ट की दुनिया में TNT लॉन्चर बना सकते हो। तो इस लाइफ हैक को करने के लिए ये सारे आइटम्स चाहिए। नाउ सबसे पहले तुम लोगों को कोई सा ब्लॉक हवा में प्लेस कर देना है एंड इसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन रखना है एंड उसके आगे एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है। नाउ स्लाइम ब्लॉक के नीचे तुम लोग कोई सा भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, बिकॉज अपने को उसके आगे एक डिस्पेंसर प्लेस करना है और अब वो ब्लॉक की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी तुम्हारा बेस ब्लॉक है उसके पीछे 2 ब्लॉक्स और ऐड करने हैं। और अब पहले वाले को तोड़ के डिस्पेंसर के नीचे कुछ इस तरह से एक ब्लॉक और लगाना है। नाउ ये जो ब्लॉक लगाया इसके ऊपर एक रेडस्टोन रिपीटर सेट कर दो और एग्जैक्ट पिस्टन के पीछे वाले ब्लॉक पे एक रेडस्टोन रिपीटर लगा के उसके टिक मैक्स पे सेट कर देने हैं। देन अपना बेस ब्लॉक जो कि मैं यूज कर रहा हूं क्वार्ट्ज ब्लॉक, उसको कुछ ऐसे वे में प्लेस करना है। नाउ ऊपर वाले रेडस्टोन रिपीटर के पीछे रेडस्टोन डस्ट लगा के दूसरे वाले रेडस्टोन रिपीटर तक कनेक्ट कर देना है, बोले तो एकदम मजबूत रिश्ता। नाउ इधर एक लीवर लगा के डिस्पेंसर के अंदर TNT फिल कर देने हैं और बस ये अपना रेडी हो चुका है। तो जैसे ही तुम लोग लीवर पुल करोगे यहां से एक TNT लॉन्च हो जाएगा और जिधर भी तुम्हारा एम होगा वहां जाते ही TNT ब्लास्ट हो जाएगा। और मैंने एम करा है विलेज पे पूरा बदला लिया जाएगा भाई। बट वेट, अगर तुम लोगों को ये टी लॉन्चर मजाक लग रहा है, लाइक अगर तुम लोगों को और भी ज्यादा तबाही मचानी है तो ये टी लॉन्चर को बड़ा करना पड़ेगा। और इसको बड़ा करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे 5 ब्लॉक्स ऐड करने हैं। नाउ उसी लाइन में एक एक ब्लॉक्स और ऐड करने हैं। देन पहले वाले डिस्पेंसर के साइड में 5 डिस्पेंसर और ऐड कर देना है। लाइक अपने पास अभी टोटल 6 डिस्पेंसर हो चुके हैं। नाउ डिस्पेंसर के नीचे वाले ब्लॉक्स को हटा देना है। देन सेम पहले वाले डिस्पेंसर की तरह नए डिस्पेंसर के पीछे भी रेडस्टोन रिपीटर लगा दें सबके पीछे। नाउ इनमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पीछे एक और लाइन बनानी है और पहले वाली रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट करके 5 डिस्पेंसर के पीछे रेडस्टोन डस्ट। वेट, ये तो 6 हो गए, एक एक तोड़ देता हूं। हां अभी ठीक है। तो इधर से लीवर उखाड़ के यहां पे लगा देना है और सबसे लास्ट में स्लाइम ब्लॉक के आगे भी 5 स्लाइम ब्लॉक और लगा देने हैं। और अब सारे डिस्पेंसर के अंदर माल मसाला, मेरा मतलब है TNT भर दो, बस कमी नहीं होनी चाहिए भाई, सारे में भर दो। ओके डन। और अब एक लीवर खींचते ही सामने से 6 TNT एक साथ निकलेंगे और सामने जाके बूम बाम कर देंगे पूरा। गया भाई ये विलेज तो। वेट, आज कुछ तूफानी करते हैं, यहां पे स्पॉन करता हूं बहुत सारे विलेजर, कोई रहम नहीं किया जाएगा किसी पे भी। एक मिनट, हाँ मैं आया अभी, वैसे तुम लोग मेरे को वापस नहीं मिलने वाले। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओहो भाई क्या ही लग रहा है लॉन्च होते हुए, इन बिचारों को भनक भी नहीं थी इनके साथ क्या होने वाला है। अरे वाह मजा ही आ गया। वैसे इस लाइफ हैक से तुम लोग अपने फ्रेंड या फिर एनिमी से जन्मों जन्मों तक का बदला ले सकते हो। हैं अबे ये लॉन्च क्यों नहीं हो रहा, अरे जा भाई आगे। ओ ये क्या हो गया। ओके, तो मैंने एक लॉन्च के बाद दूसरे लॉन्च में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, 3-4 सेकंड का टाइम देना होता है। अरे यार मैं नहीं खेला, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई आधे घंटे की। लाइफ हैक नंबर 4। तो ये वाला लाइफ हैक बहुत ही ज्यादा काम और कमाल का है, क्योंकि इस लाइफ हैक से तुम लोग बहुत ही बड़ा एरिया माइन कर सकते हो, वो भी बिना अपनी पिकैक्स को डैमेज करे। सो ये करने के लिए तो सबसे पहले बहुत सारे पत्थरों के बीच आ जाना है और कहीं भी एक मॉस ब्लॉक को प्लेस कर देना है। देन उसको बोन मील करके बहुत ज्यादा ग्रो कर देना है। इससे मॉस ब्लॉक अपने आसपास के सारे स्टोन को मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा और उसको तुम हो कि एक टच से ही तोड़ सकते हो और ऐसे बड़े आराम से कहीं पे डायमंड मिल जाएगा। और टेंशन मतलब डायमंड नहीं मॉस ब्लॉक में बदलने वाला, क्योंकि ये ओर्स पे काम नहीं करता। और ये लाइफ हैक में बेटर रहेगा कि तुम लोग अपनी होम में कोई से भी एफिशिएंसी की एन्चेंटमेंट लगा लो, जिससे कि और भी जल्दी मॉस ब्लॉक टूट जाए। एंड ऐसा नहीं है कि मॉस ब्लॉक बस डीप स्लेट स्टोन को ही अपने में बदलता है, ना ना ना, ये सारे स्टोन पे काम करने वाला है यार। तो अब से तुम लोगों को जहां पे भी शक हो रहा है कि तुम्हें कुछ बढ़िया सा माल मिल सकता है तो वहां पे एक मॉस ब्लॉक लगाओ और बोन मिल से बड़ा करो और एक एक हिट में हो से तोड़ दो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि तुम लोगों को ओर्स आसानी से मिल जाएंगी, तुम्हारी पिकैक्स की हेल्थ भी नहीं जाएगी, साथ ही साथ टाइम भी बच जाएगा और मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी, बस एक मॉस ब्लॉक होना चाहिए अपने पास। लाइफ हैक वायरल टिकटॉक नंबर 3। नाउ ये वाला लाइफ हैक बस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन AKA MCPE में ही काम करता है। सो लेट्स गो इन पॉकेट एडिशन। ओके, पॉकेट एडिशन, पुरानी यादें ताजा हो गई मेरी। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर्स जैसा रोबोट जो कि अटैक भी करता है। सो या ये सारे सामान चाहिए। तो सबसे पहले नीचे 2-2 आयरन ब्लॉक्स लगाने हैं, एक ब्लॉक का गैप छोड़ के। देन दोनों आयरन के पीछे वाले ब्लॉक पे 3-3 स्लाइम ब्लॉक लगाने हैं और अब इन दोनों के बीच में एक पिस्टन लगाना है और उसके आगे एक स्लाइम ब्लॉक। नाउ जो स्लाइम ब्लॉक हमने प्लेस करा है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पिस्टन लगाना है। देन सेंटर वाले पिस्टन के ऊपर एक आयरन ब्लॉक लगाना है और अब नीचे साइड आके ऊपर वाले आयरन ब्लॉक के राइट और लेफ्ट दोनों साइड ऑब्जर्वर लगाना है, बिकॉज ऑब्जर्वर का जो फेस है वो ऊपर साइड होना चाहिए। सो या रोबोट का बेस तो रेडी है। एक मिनट, तू निकल, बिकॉज बैठने के लिए सीट तो जरूरी है। नाउ ये जो स्लाइम ब्लॉक है इसके आगे एक आयरन ब्लॉक लगाना है एंड अब थोड़ा बैक साइड यानी कि सीट की साइड आके यहाँ पे दोनों साइड ऑब्जर्वर लगा देने हैं। अब आयरन ब्लॉक का कोई काम नहीं है, बट इधर तुम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो एरो है ऑब्जर्वर के ऊपर के, ये पीछे की साइड को पॉइंट करने चाहिए, बिकॉज आगे से आग निकालनी है। देन इस रोबोट के दोनों साइड 3 स्लाइम ब्लॉक्स लगाने हैं कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ। देन दोनों स्लाइम ब्लॉक के आगे एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसके बाद एक डिस्पेंसर लगाना है सेम दूसरी साइड भी। और अब अपने बैठने के लिए एक
सीट बनानी है, जिसके लिए सबसे पहले रेल ट्रैक लगाना है स्लाइम ब्लॉक के ऊपर और उसके बाद एक माइंड कार्ट रख देनी है। नाउ रेल ट्रैक को तोड़ देना है, देन ये जो आगे की साइड डिस्पेंसर है उनके अंदर फायर चार्ज भर दो। खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि बिना अटैक के मजा नहीं आता। वैसे तुम लोग इसके अंदर फायर चार्ज की जगह एरोज भी डाल सकते हो, दोनों में से जो तुम्हें बढ़िया लगे डाल दो यार। नाउ अपना रोबोट रेडी है तबाही मचाने के लिए, बस हाथ में एक फ्लिंट एंड स्टील और ले लो। नाउ माइंड कार्ट में गेट इन करने के बाद ये जो पीछे लेफ्ट वाला ऑब्जर्वर है इसको फ्लिंट एंड स्टील से इग्नाइट कर दो, और ये करने के बाद तुम्हारे रोबोट में जान, मेरा मतलब है रोबोट स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद ये रोबोट हवा में उड़ता हुआ इतना बढ़िया लगता है कि बस पूछो ही मत। और इससे तुम लोग कहीं भी अटैक करवा सकते हो, लाइक इसके अगर आगे कोई आ गया ना तो आग से ही भुन जाएगा भाई। तो ये रोबोट तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, अगर तुम लोगों को किसी का घर चलाना है या फिर अपने एनिमीज पे भी अटैक करना है ना तो मजा आ जाएगा इससे अटैक करने में। और अगर तुम लोगों को इसको रोकना हो तो इसके सामने एक वॉल बना दो, ये रुक जाएगा या फिर तोड़ना ही पड़ेगा। सो तुम लोगों को ये वाला हैक कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताओ, और अब कमेंट तक जा ही रहे हो तो बीच में लाइक और सब्सक्राइब भी भटकते रहते हैं उन्हें भी दबा देना। तो चलो चलते हैं हमारे अगले लाइफ हैक पे, लाइफ हैक नंबर 2। तो क्या तुम लोगों का कोई चोर फ्रेंड है जो कि तुम्हारे डायमंड के महंगे महंगे सामान चुरा के ले जाता है? ऑब्वियसली होगा। तो अपना सामान बचाने के लिए तुम लोगों को अपने सीक्रेट बेस को और भी ज्यादा सीक्रेट बनाने की जरूरत है। तो इस लाइफ हैक को करने के लिए जहाँ भी तुम्हारा सीक्रेट बेस है वहाँ तक जाने के लिए एक ब्लॉक का रास्ता होना चाहिए जहाँ किसी को शक भी ना हो। एंड अब जिधर भी एंट्रेंस है वहाँ पे एक पिस्टन लगाना है अपने जस्ट ऊपर, और अब उसी के साइड में एक लीवर भी लगा देना है। नाउ जैसे ही तुम लोग लीवर पुल करते हो तुम लोग उस एक ब्लॉक की जगह के अंदर आ जाओगे, और ये पिस्टन और लीवर दोनों को तोड़ देना ताकि किसी को दिखे ना, और अब तुम लोग रेंग रेंग के आराम से अपने सीक्रेट बेस में जा सकते हो। एंड यहाँ से बाहर निकलना भी काफी ज्यादा इजी है, ऊपर एक पिस्टन लगाओ और बटन प्रेस करते तुम लोग फिर से एक ब्लॉक के अंदर से निकल जाओगे। नाउ तुम लोग यहाँ पे अपना कोई भी कीमती सामान छुपा सकते हो और किसी भी चोर को पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि चोर लोग रात में ही आते हैं और ये चोर अभी इधर आ रखा है बट इसको अंदर जाना नहीं आता। हाँ भाई क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सामान चुराना है, निकल बदतमीज, इसे क्या पता, यहाँ से लीवर पुल करके नीचे से जाना है। तो हो गया ना लाइफ हैक। नाउ क्या तुम लोग भी मेरी तरह बहुत ज्यादा ही आलसी हो? हो क्या, इतने ज्यादा आलसी कि माइनिंग करने का तो मन ही नहीं करता, बहुत बोरिंग काम लगता है। तो अगला लाइफ हैक तुम्हारे लिए ही है यार, और वो इतना ज्यादा कमाल का है कि नाच के पागल ही हो जाओगे। लाइफ हैक नंबर 1। तो ये वाला लाइफ हैक एक कमांड ब्लॉक लाइफ हैक है। सो या कमांड ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इधर से कमांड ब्लॉक ही ले लेते हैं भाई। ओके आ गया। नाउ इसको तुम लोगों को कहीं भी प्लेस कर देना है, और इसके बाद इसके अंदर ये वाली कमांड को फिल कर देना है। गौर से देख लो इस कमांड को, एग्जैक्ट यही वाली, ये रही है कमांड स्टार्टिंग से। देन कमांड फिल करने के बाद ये इंपल्स वाली सेटिंग को हटा के रिपीट पर सेट कर देना है। तो काम हो चुका है, डन कर दो। और अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एक लीवर की जरूरत है, तो यहाँ से सबसे पहले लीवर ले लेते हैं। एंड ये कमांड बो एंड एरो में वर्क करती है, तो यहाँ से बो एंड एरो भी ले लेते हैं ना। नाउ ये जो लीवर है इसको कमांड ब्लॉक पे लगाना है और इसको पुल कर देना है। बस भाई अपना काम खत्म हो चुका है। और अब देखो ये जादू, तो जहाँ भी एम करके तुम लोग बो एंड एरो मारोगे तो वहाँ पे ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली माइन हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ एरो जाएगा वहाँ वहाँ का पूरा एरिया गायब होता चला जाएगा। लाइक अब तुम्हारे को केव ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, लाइक तुम जहाँ भी एरो चलाओगे ना वहाँ पूरी एक केव ही बन जाएगी। और अब इसको बंद करना भी बहुत ईजी है, लाइक तुम लोगों को बस लीवर बंद कर देना है, ये भी बंद हो जाएगा। तो वैसे तो तुम लोग इसको अपनी माइनिंग में भी यूज कर सकते हो, बट ये एक फन लाइफ हैक है तो इसको एक फन वे में यूज करना बढ़िया रहेगा। तो बस यही थे आज के लाइफ हैक, और लाइफ हैक खत्म, वीडियो भी खत्म। और जाते जाते अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कौन सा लाइफ हैक सबसे बढ़िया लगा, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना। बाय द वे मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।